नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सूटी पाठ शाला, का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फाइनली BHU या BHU के एफिलेटेड कॉलेजेस में अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे। आज मैं आपको थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूँ। वैसे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है कि बेसिकली यूनिवर्सिटी में आने के बाद जो 4 कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं, लाइक कोई UPSC में जाना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, वन डे वाले, कोई टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, कोई रिसर्च में जाना चाहता है, इन सभी पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छे से जो है वो डिस्कस किया हुआ है। आप चाहो तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी को वीडियो एक बार देखना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं कि हमें क्या बनना है, और कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या बनना चाहिए। इन सभी एलिमेंट्स में मैंने बहुत ही प्रॉपर वे में डिस्कस किया हुआ है। तो फाइनली मैं चाहूंगा कि अब आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करें कि क्या क्या चीजें आपको BHU में एडमिशन के बाद बनवा लेना चाहिए। एक तो आप अपनी एक आईडी कार्ड बनवा लो, यानी कि BHU या BHU के एफिलेटेड कॉलेजेस में हो। तो एफिलेटेड वाले तो ढूंढ ढूंढ के खुद बना देंगे, लेकिन जो BHU के मेन कैंपस के बच्चे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है कि उनका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि एवरी डे उन्हें डोजियर, एंटी रैगिंग डोजियर वाला कुछ सीन चल रहा होगा, या यहाँ पासबुक बनवाना है, यहाँ सिग्नेचर करवाना है, बड़ा भागम भाग होगा। होता है, स्टार्टिंग में एक सेमेस्टर इसी में चला जाता है, हम लोग का भी गया हुआ था, तो आप लोग भी थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो इसको, ठीक है। तो जो भी ऑफिशियल वर्क है उसको करो। कुछ दिन तक ना अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के जो जीरोक्स कॉपी है ना, अपने हमेशा अपने बैग में लेके चला करो, कुछ फोटोज एक्स्ट्रा लेके चला करो, जिससे कि कहीं भी काम पड़ जाए तो आप उसे तुरंत यूज कर सको। ये कुछ यहाँ पे मैंने लिस्टिंग की हुई है इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड्स के, जो कि आपको बनवाने लेने चाहिए। जो भी बच्चे DMC में एडमिशन लिए हैं, यानी कि BHU के मेन कैंपस उस बड़े वाले गेट के अंदर एडमिशन लिए हैं, उनके लिए बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना हेल्थ कार्ड बनवा लो BHU में। मैं एकदम एग्जैक्ट नोटिस का तो मनी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ 50-60 हज़ार रुपए तक BHU के मेन हेल्थ कार्ड से उस BHU के हेल्थ सेंटर में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। 1 रुपया लगता नहीं, फ्री में हो जाता है। बाकी सुंदरलाल है, ट्रामा सेंटर है, वैसे भगवान अच्छा ना करे कि कभी आपको वहां पे जाने की नौबत आए, लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है, क्योंकि हमारा शरीर है कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप लोग हेल्थ सेंटर पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो इसलिए हेल्थ सेंटर पर जाके हेल्थ कार्ड बनवा लेना। ये हेल्थ कार्ड बनवाने का जो प्रोसेस है, वहां पे जाओगे तो आगे एज इट इज वहां रूम वूम सब बता दिया जाएगा कि यहाँ पे जाओ, ऐसे जाओ। बस वहां पे अपना सबसे पहले आईडी बनवा के तभी जाना, और फिर रिसिप्ट ले लेना। बहुत सारी चीजें ना जाने के बाद पता चल जाएगा आपको। लाइब्रेरी कार्ड बनवा लो। देखो, जो बच्चे भी DMC में एडमिशन लिए हैं, उनकी लाइब्रेरी एक तो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी होगी, वो वाली आईडी तो आपके डिपार्टमेंट से इशू होता है। जो बुक्स वगैरह आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह इशू कराना होता है, वो आप डिपार्टमेंट वाले से इशू करा सकते हो। बाकी ये मैं सेंट्रल लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग का बड़ा सा VT के पास पुस्तकालय है, उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी बोलते हैं, CL बोलते हैं। आप वहां पे भी अपना एक लाइब्रेरी कार्ड बनवाओगे, जिससे वहां पे भी आप बुक्स इशू करा सकते हो। बाकी आप लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनवाते हो तो भी आप जाके लाइब्रेरी में बैठ के उस आईडी दिखा के पढ़ सकते हो, ठीक है। स्विमिंग स्विमिंग के लिए भी आप पैसे लगते हैं इसके लिए, खैर स्विमिंग के लिए, लेकिन आप शायद 1500-1200 रुपए दे के आप एक सेशन का, यानी 6-7 महीने या 4 महीने का होता है पीरियड, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मुझे लगता है स्विमिंग एक गुड एक्सरसाइज है, मैंने भी ज्वाइन किया था, बहुत इंटरटेनमेंट है, बहुत मजेदार है, इसलिए मैं इसको प्रमोट भी कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो बेसिकली गंगा में नहाने से बचना चाहिए, कई बार लोग उसमें बह जाते हैं, और कई बार ऐसे बह गए कि दोबारा मौका नहीं मिला वापस आने का। स्विमिंग वाला ठीक रहता है, यहाँ पे आप बहोगे नहीं, वो एक बना बड़ा सा जैसा मूवीज में है ना, वैसा उन लोगों ने बनाया हुआ है। मुझे लग रहा है एक बार हर स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस करना ही चाहिए किसी भी सेशन में। ये हर 4 महीने के साथ आता है, तो आप लोग पता कर लेना, कभी IIT के पास घूम के चले जाओ, VT के पीछे। जिम, अब आई एम नॉट श्योर कि मैं गर्ल्स को रिकमेंड करूंगा कि नहीं, बट बॉयज को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय लड़कियों के लिए भी ऐसा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे कि ये सभी लोग इंजॉय कर सके। बाकी प्लीज आप लोग जाके इसके लिए पता कर लो कि जिम का क्या प्रोसेस है। बाकी जिम भी बनवा सकते हो। एक वाईफाई है, ठीक है, ध्यान देना, ये वाईफाई कार्ड जो है ना, ये आप लोग बनवा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लोग फ्री इंटरनेट एक्सेस कैंपस के अंदर ले सकते हो। आप पूरा अनलिमिटेड 4 GB के पास मिलता है शायद, अगर आप डेटा ऑन ऑफ कर ऑफ नहीं करते हो तो अनलिमिटेड होता है 24 आवर्स के लिए, एक सिस्टम में एक IP एड्रेस पे। तो जो भी है बदलता भी रहता होगा पॉलिसी, जो मैं अपने टाइम बता रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज जाके ये भी बनवा लेना, ये कंप्यूटर सेंटर से बनता है। इसके बाद भी मैंने कुछ चीजें यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है, मैं चाहूंगा कि ये भी मैं आपसे डिस्कस कर ही लेता हूँ।
कुछ चीजें जो हम लोग को फ्यूचर में बनवाना चाहिए, करना चाहिए बीएचयू से। जैसे हम लोग को एक योगा का सर्टिफिकेट कर लेना चाहिए, ये हर 6 महीने पे आता है, आप लोग पता करते रहना, जो गेट के अंदर घुसते हो तो एक मालवी भवन करके है, श्री मालवी भवन, तो प्लीज आप लोग वहां पे जाके योगा के फॉर्म का डिटेलिंग ले सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज, बहुत सारे डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट के यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने कोर्स के साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी जरूर परस्यू करें। यहाँ पे बहुत सारे एनएसएस के प्रोग्राम्स होते हैं, यानी एनएसएस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एनसीसी भी होता है, लेकिन पीजी के लिए बेसिकली वो लोग अवॉइड करते हैं। एनएसएस, आप जिस डिपार्टमेंट में हो उसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेटर होगा, या जिस आपका डिपार्टमेंट बहुत छोटा है तो हो सकता है आपकी फैकल्टी में कोई कोऑर्डिनेटर होगा, तो आप उस कोऑर्डिनेटर का नाम पता करो ऑफिस से, और फाइनली उस प्रोफेसर जाके मिलो, तो आपको सर्टिफिकेट वो फॉर्म दे देंगे, 5 रुपए का फॉर्म होता है, तो एनएसएस कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग, जैसे कि पाठशाला के लोग टी शर्ट पहनते हैं, तो आप लोग वैसे टी शर्ट और बहुत सारे ट्रैक सूट अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, गूगल का फॉर्म है, और एक इसी वीडियो में एक लिंक है टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए, एक लिंक है टेलीग्राम का, आप बेसिकली उसको ज्वाइन कर लो। 2 दिनों में गूगल फॉर्म भरने के लिए पूरा प्रोसीजर बता देंगे, क्योंकि आप लोगों को नया नया एडमिशन हुआ है, बहुत सारे लोग अपना बीएचयू का टी शर्ट पहन के दिखाते हैं कि हाँ फाइनली मैं अब बीएचयूएन हो गया, मैं बीएचयू में पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग अपना नाम लिखवाते हैं, कुछ लोग काशी विश्वविद्यालय लिखवाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आप लोग करते हो। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप टी शर्ट प्रिंटिंग करवाना चाहते हो, तो यहाँ के फाइन आर्ट्स के कुछ स्टूडेंट हैं, वो कलाकारी करते रहते हैं, तो उन लोगों ने अपना बढ़िया सिस्टमेटिक व्यवस्था कर रखा है। आप चाहो तो अच्छे क्वालिटी, क्योंकि मेरे यहाँ का पूरा जो है पाठशाला का पूरा जो प्रिंटिंग का काम होता है वो वही लोग करते हैं, तो मैं इसलिए उनको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग चाहो तो घर बैठे, क्योंकि आप प्रिंटिंग ऑनलाइन करा सकते हो उनसे, जैसे आप उस फॉर्म को भर दो और वो लोग आप कॉलिंग के थ्रू कैंपस के अंदर कहीं भी आपको डिलीवरी दे देंगे 5 से 6 दिनों में, मतलब कैंपस के अंदर ही आपको कहीं भी दे देंगे। आप अफिलेटेड क्यों तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन आप घूमने चले आना, आप ऑनलाइन ऑर्डर दे दो और किसी दिन घूमने आ जाओ, शाम को दिन अपना सुबह में या शाम में जब भी उनका कोई मेंबर होगा आप उनसे टी शर्ट अपना ले लेना, तो बहुत अच्छा है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप आराम से, नंबर नहीं है, एक गूगल फॉर्म होगा, अगर गूगल फॉर्म नहीं होगा तभी क्या होगा, एक टी शर्ट टेलीग्राम लिंक होगा, बस उसको ज्वाइन कर लो, 2 दिनों में आपको गूगल फॉर्म का लिंक उस ग्रुप में चला जाएगा, फिर उसको भर देना, उसमें पूरा साइज वाइज पूछा रहेगा, कलर पूछा रहेगा, कॉलर विदाउट कॉलर सब कुछ रहेगा, आपको पूरा भर दो और फाइनली आपको टी शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर करने का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। इसके बाद भी अगर कोई आपके पास है कुछ डिपार्टमेंट लेवल पे बनवाने वाला तो आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा। एक नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लोन लेके कहीं ना कहीं अपनी फीस भर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप के लिए मेरे को बहुत मैसेज आया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्ट दिखाते हो, ठीक ठाक मैसेज आता है मुझे इस वीडियो में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो पूरे सेंटर और स्टेट लेवल पे जो भी स्कॉलरशिप होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी स्कॉलरशिप होता है उसको कैसे हम लोग अप्लाई करें, इसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। जनरली ऐसे वीडियो इसलिए लोग नहीं बनाते ना, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो लोग अवॉइड करते हैं कि मैं भी उसी में से एक मेंबर हूं, बना दूंगा वीडियो तो मेरा भी पत्ता कट सकता है, ऐसा होता है, क्योंकि उसका नाम ही स्कॉलरशिप, जो स्कॉलर होंगे उन्हीं को वो सिर्फ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा है। सो प्लीज मैं आपसे चाहूंगा कि आप अगर वीडियो में हेल्दी कॉमेंट करते हो, मेरे वीडियो अगर आगे भी देखते रहोगे तो मैं ऐसे बहुत सारे स्कीम और प्लान ऐसे वीडियो देकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सो प्लीज, एक नया चैनल है काउंसलिंग वाला, एक नया चैनल है नीर दर्शन, इन सभी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नीर दर्शन बेसिकली हम लोग टॉक शो, जितने भी पॉडकास्ट मैं इधर भी शूट करूंगा सब नीर दर्शन पे जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल वीडियो इसी चैनल पे रहेगा, सीयूटी पाठशाला पे, और काउंसलिंग वाला पे जितने भी करियर रिलेटेड वीडियोज होंगे वो वहां जाएगा, तो सबके लिए अलग अलग वीडियो प्लेटफॉर्म बना दिए गए, मैं चाहूंगा कि आप लोग वहां जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और टी शर्ट के लिए मैं बता दिया, ज्वाइन कर, जो बच्चे हॉस्टल्स के लिए अभी भी परेशान है या कमिंग डेज में आने वाले हैं वाराणसी में, हॉस्टल वाला प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप चाहें तो उनको कॉन्टेक्ट करिए, बेसिकली वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हॉस्टल रिकमेंड करें फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, मुस्कुराते रहिए।